फार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। बता दें कि चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं इस पूरे मामले में आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद चिदम्बरम लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं, यहां तक कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी जेल की हवा खा चुके हैं। दरअसल जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि 2007 में चिदम्बरम के वित्त मंत्री के कार्यालय के दौरान उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की आईएनएक्स मीडिया कंपनी को मंजूरी दिलवाई थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कंपनी में 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था, यानी 300 करोड़ रुपए ज़्यादा। वहीं कंपनी ने खुद को बचाने के लिए पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के साथ मिलकर साजिश रची और सरकारी अफसरों को प्रभावित करने की कोशिशें की गईं। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम ने रिश्वत ली थी। सीबीआई का आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने कंट्रोल वाली एक कंपनी को इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस से फंड ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके बाद कार्ति ने अपने रसूख के दम पर आईएनएक्स को फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हासिल करने में मदद की थी। वहीं आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा 15 मई 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद ईडी ने इस संबंध में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान एयरसेल मैक्सिस डील की जांच होनी शुरू हो गई। इस डील में ईडी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान टीम का ध्यान मैक्सिस से जुड़ी कंपनियों से तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों में पैसे आने पर आया। जब ईडी ने इस मामले की बारीकी से जाँच की तो एक के बाद एक घुसखोरी की परतें खुलना शुरू हो गई। वहीं इंद्राणी मुखर्जी द्वारा इस केस में सरकारी गवाह बन जाने के बाद चिदम्बरम कानूनी शिकंजे में फंसना शुरू हो गए। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि समूह ने 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपए लेने के लिए मंजूरी हासिल करने में अनियमितता पाई। वहीं ईडी ने भी इस मामले में 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और सीबीआई की ओर से चिदम्बरम को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। चिदम्बरम ने 30 मई 2018 को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया। वहीं 23 जुलाई 2018 को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई को दोनों मामलों में अंतरिम राहत दी। हाई कोर्ट ने 25 जनवरी 2019 को दोनों ही मामले में चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन 20 अगस्त को उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद 21 अगस्त को उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया गया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.